What the hell? नमस्ते, मेरे साथ पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाल, आई एम ब्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव ब्लॉगिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंटलेस ब्लॉग होने वाला है, आ जाओ। दर्द नो मन तो क्या बोल रहे हैं So we are going to meet our friend. She is pregnant. तो हम उसको उसके उसे मिलने जा रहे हैं केक वेक लेके वहाँ। Actually वो हमसे बड़ी है and वैसे बड़ी है but वैसे बहुत छोटी है। वैसे वो मेरे जैसी थी, छोटी और क्यूट है वो। हम ऐसे इमेजिन नहीं कर पा रहे वो प्रेगनेंट कैसे हो गई है। That is the scene. तो मुझे ना इनको एक चीज दिखानी थी, बहुत फनी होगा। Guys can you guess what is this? वो जो तुम बोल रही थी ना, वो तुमने इसको यूज किया है? आप इसको यूं करके डस्टबिन में भी डाल सकते हो। ओके, वन मतलब वन टाइम यूज है। वैसे इसका सिलिकॉन वाला आता है। अगर तुम बहुत अर्जेंट में हो तो। अर्जेंट में नहीं, मेन गंदे होते हैं वॉशरूम्स। व्हिच विल डू हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस? नाइस। Congratulations! Celebration! Guys, तो हम आ गए हैं कुछ खाने के लिए। वी आर हियर एट साइना डोसा। ये यहाँ का बहुत फेमस डोसा है बट बहुत ज्यादा भीड़ है। टोकन नंबर 44। हाँ हाँ, आपसे टोकन नंबर का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। गाइस आफ्टर ऑलमोस्ट वेटिंग फॉर एन आवर 44 ये रहा। अच्छे खासे टाइम वेट करने के बाद फाइनली दिया ऑर्डर। फाइनली मैंने इन लोगों को गोल्ड में स्टोर लेके आई हूँ। एवोकाडो लिखा था कि एवोकाडो तो दुकान के अंदर मिलेगा। मुझे ना कल एक फूड चैलेंज फिल्म करना है जिसमें मुझे थोड़ी सी एक्सोटिक सी चीजें चाहिए, तो हम वो लेने जा रहे हैं और मैं मेरे फ्रेंड्स को लेके जा रही हूँ, तो दे आर आल्सो गोइंग टू जज मी। कहाँ है एवोकाडो? कहाँ है एवोकाडो? ये है एवोकाडो। ये पूछना भैया, ये कितने का है? सस्ता है, कितने लेना है? एक ही लेना है बस। ये राइप है ना? हाँ, ये राइप है। और वो एवोकाडो इतने रिस्क में मिला कि ये ठीक भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अगर खराब निकल गया ना, जितना महंगा एवोकाडो है ना, हो गया काम। ये डेली का रूटीन फॉलो किया जा रहा है। ये हमारे सुपर सीनियर चैंपियन खिलाड़ी इस गेम के है जानवी, इनके आगे कोई नहीं जीत सकता। हेलो गाइस, बहुत ज्यादा लेट होते हुए आज पहली बार। सो बेसिकली आई एम ब्लॉगिंग आफ्टर काफी टाइम, दो दिन बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ। आज अभी शाम के बज रहे हैं 5। अभी तक अगर आप मेरी शक्ल देखते ना, मैं बिल्कुल ऐसे लाइक कद्दू की तरह पड़ी हुई थी और मैं थोड़े शॉर्ट्स वगैरह के काम वगैरह कर रही थी। बट नाउ इट्स टाइम टू गो मीट माई फ्रेंड्स। ये आई एम सो हैप्पी, लेट्स गो। बहुत मजा आने वाली है, आज हम लोग बोलिंग जाने वाले हैं। ऑल्सो मेरे को आपको एक और चीज दिखानी। मैं ना मेरे फ्रेंड्स को ना ये ब्लैक वाटर ट्राई कराने वाली हूँ। मैंने इतनी जगह देख लिया इंटरनेट पर, मैंने बहुत टाइम से खरीद के रखा था बट मेरे को अकेले को ट्राई नहीं करना था। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक माई फ्रेंड्स ट्राई दिस आउट। थोड़े बाल बाल फिक्स करते हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल वो प्ले ग्रुप से छूट के आ रही हूँ स्कूल से। लेट्स गो। मॉल के बाजू से गुजर रही हूँ और मॉल में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन लगी, ऐसा लग रहा है सब कुछ फ्री में मिल रहा है। जिंदगी में पहली बार जल्दी आने पे कैसा महसूस हो रहा है विवेक? तू लेट है बस। हेलो समर, हाय रूप का कार्ड था। लेट है, लेट है। झूठ बोल रही हूँ, कार्ड भूल गई थी मैं, कार्ड भूल गई थी। और लेट है, पता है ऐसे ही चप्पल पहन के आ गई हूँ, मुझे जूते पहनने हैं और चिमटी निकाल के चश्मा लगा लिया, यू नो, खूब बंदी लगने के लिए। वी आर हियर एट बोलिंग वाली जगह पे।
क्या है बताना? ये डार्ट टारगेट है और काला धब्बा लगा था कि इसको नजर ना लगे। गाइस हम बोलिंग वगैरह करके आ चुके हैं। विवेक विवेक जीता है तो विवेक पार्टी देगा। वी आर हियर फॉर सम डिनर। विवेक की समरी विल गेट यू द बेस्ट सीट। पूरे रेस्टोरेंट में से ना वो खुद से जुगाड़ मिला के बेस्ट सीट ढूंढ लेगा और वही मिल पाएगा। गुलदस्ता ही दे दिया है ना, जैसे प्लांट गिफ्ट किया हो ना मैडम आपके लिए पुदीना का प्लांट। गाइस ये पिंकी प्रॉमिस हो रहा है हम एक रेस्टोरेंट साथ में जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे। ड्रीम फेस्टिया नहीं जाएगी, ड्रीम फेस्टिया नहीं जाऊंगी, तेरे साथ ही जाऊंगी। गाइस डिनर करने के बाद लोग डेजर्ट खाने जाते हैं, बट यहाँ पे ना टेका कॉफी जो शार्क टैंक में दिखाया था ना वो है यहाँ पे, तो हमें वो ट्राई करना है। सो ट्राई दैट आउट। ये 100 रुपए की पानी की बोतल, काला खट्टा काला खट्टा यस। थोड़ा थोड़ा भी है पानी जैसे ही, पानी जैसे ही है, थोड़ा अलग है। अलग है थोड़ा। तुम इसे पीना चाहोगे? नहीं पागल हो गया, 100 रुपए का पानी सकता हूं मैं। पैसे भर के, पैसे भर के 20 रुपए का पानी पिया तूने? इस बात का 20 रुपए, यहां 20 रुपए का लिख लिया अकाउंट में। ठीक है पानी जैसा है, थोड़ा अजीब सा वो कुछ है बस, बाकी स्मेल तो कुछ भी नहीं है इसकी, पानी जैसा ही है बिल्कुल। हाँ। अलग नहीं लग रहा है, थोड़ा सा पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोक पी रही हूँ, पर मैं एक्चुअली मतलब इसे मेरे को फील आ रहा था कि पानी मैं कोक का टेस्ट आएगा। टेस्टलेस पानी जैसा कुछ है। हाँ, इसके बाद सुसु काली होगी कि नॉर्मल होगी? राइट, नाइस क्वेश्चन। हाँ एक्चुअली अब मेरे फ्रेंड्स ये सोच रहे हैं ये लोग भी काला पानी बेचेंगे, इसमें कितना फायदा है। जीरो कैलोरीज, इसमें कम से कैलोरीज आ रही पानी में। ठेका कॉफी स्मेल्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, क्वाइट स्ट्रॉन्ग, आई डोंट लाइक इट। मतलब ठीक है पी लिया यार, अभी पैसे भरे ना। अजय की इससे एक्चुअली अच्छी है, हमारे सूरत में एक लोकल है 20 रुपए की कॉफी मिलती है, इससे अच्छी मिलती है 25 हो गया ठीक है। हेलो गाइज आई एम बैक होम और भूरी बेटी ने कल परसों बहुत ज्यादा काम किया है और भूरी बेटी मजे से अपना संडे नेटफ्लिक्स एंड चिल, बहुत बहुत मजा आया। तो मैं ना पास्ट बहुत महीनों से मेरे फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रही थी और अभी ये 2 हफ्ते में बहुत मिली उनसे और अभी फिर सब लोग अपने अपने काम पे चले जाएंगे, फिर वीकेंड्स पे हम नहीं मिल पाएंगे, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स का काम में थोड़ा वो लोग इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं। सो इज बट आई एम सो हैप्पी 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 हैप्पी। तो कल रात को ना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्योंकि मैंने इतनी ओवर थिंकिंग कर दी, मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। पर फिर आज भी मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, बट आज जब मैं मेरे सारे फ्रेंड्स से मिलकर आ गई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज, कल ना जब मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था ना, तो मैंने ना बहुत सारी चीजें बैठ के अपने कार्ट में डाल ली थी, मतलब मैंने अर्बानिक के भी कार्ट में डाला है, अमेजोन में भी बहुत सारी चीजें कार्ट में पड़ी हैं और पता नहीं मैंने कौन से शॉपिंग इंस्टाग्राम स्टोर्स भी एक्सप्लोर कर लिए थे और ऐसा मेरे साथ कभी होता नहीं, कल पहली बार हुआ। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीजें मुझे मंगवानी चाहिए या नहीं मंगवानी चाहिए, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है कि आप ही लोग मदद कर दो मुझे मंगवानी चाहिए या नहीं मंगवानी चाहिए। सो दैट्स दैट एंड आई रियली डोंट नो व्लॉग कहां जा रहा है, कब चालू किया है, कब खत्म होने वाला है, मुझे जब मन करता है मैं व्लॉग कर लेती हूँ। ब्लैक वाटर के साथ ये सीन है कि मुझे प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी, बट जब जब मैं वो ब्लैक वाटर पी रही थी मेरी प्यास ने मतलब मेरे लिए वो पानी का काम नहीं कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई, वो मुझे बहुत ऐसे लाइक ऐसा नहीं लग रहा था, आई डोंट नो, इट वॉज वेरी वियर्ड। तो उसको पानी की तरीके से नहीं पी पाई। मैं तो बोलूंगी मत लेना यार, ये फालतू बहुत महंगा पानी है, कोई काम का नहीं है। गाइस डू यू सी दैट? ओह माय गॉड, ये मेरी सडनली नजर गई, सो स्कैरी, इतनी छोटी छोटी छिपकलियां हो गई हैं। और भाई मेरे घर में अलग छिपकली होनी, लोगों के घर में छिपकली दीवार पे चलती है, माने इस वाली जमीन पे चलती है। देखो मी एंड छिपकली जस्ट चिलिंग, ओह गॉड दिस इज टू स्कैरी। मेरे लगता है ये थोड़े दिनों बाद ना ये छिपकली यहाँ पे बैठी होगी मेरे बाजू में, तुम दोनों मिलकर ऐसे साथ में बोलेंगे नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अरे ये हट भी नहीं रही, ये जिंदा तो है, ओ भाई इसको कुछ हो ही नहीं रहा है। गाइस बूरी बेटी को बुला लिया गया है, इधर अरे ऐसे क्यों? अरे थोड़ा इतना भी कुछ नहीं है, वो देखो उधर छिपकली है किधर। हम जानवी को खतरों के खिलाड़ी में भेज सकते हैं, वो छिपकली छिपकली से जानवी देखना वो बेड पे ना जाए कहीं, मर तो नहीं है, मुझे भी यही लग रहा है मर गई है, देख ही ली नहीं, आंखें खोल के कौन मरता है यार बहन। पर
चीज जाए क्या जाने से डेड बॉडी के साथ नहीं सोना मुझे तो मेरे रूम में सो गई वो छिपकली अपने आप मर गई मैंने कुछ नहीं और ये अभी तक नहीं थी यहाँ पे पता है मैं अभी तक यहीं बैठ के काम कर रही थी मैं इसी वाले इस पे बैठ के मैंने सारा मेरा फालतू ऑर्डर किया है What the hell? This is so scary. What's so scary? जानवी तूने वो छिपकली के कितने क्लोज वो वाइपर मारा था She played smart. भाई वो छिपकली पागल बना गई हमें वो मरी नहीं थी वो जिंदा थी जानवी ने पता है उसके इतने क्लोज वाइपर से टक टक किया वो हिली भी नहीं हमें लगा वो मर गई उसके आजू बाजू चीटियां आ गई थी इतनी ज्यादा एक्टिंग कर ली उसने गाइस मैं आपको बहुत रेगुलरली अपने आजकल क्यूट आउटफिट दिखा रही हूँ जस्ट वांटेड टू शो यू माय फेवरेट एंड मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट ये मेरे पापा की टी शर्ट है जो मेरे पापा मेरे दादाजी और अब मैं भी पहनती हूँ यार ये बहुत बहुत कंफर्टेबल है इसका इतना पतला अच्छा इतना वॉश आउट हो गया है ना ये कपड़ा इतना वॉश आउट हो गया है कितनी सही लग रही है ये दैट्स माई फेवरेट फ्रेंड्स जा चुके हैं मैंने ये वॉल अभी देखी और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी बहुत सुंदर काम किया है मेरी बहन ने और उनकी सहेलियों ने मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये अच्छा लग रहा है मुझे तो एक्चुअली अच्छा लग रहा था जो सुबह बोला था सो बेसिकली ये वाला कलर और ये वाला कलर डार्क है तो उसके ऊपर हमें दो तीन बार मारना पड़ रहा है बाकी इट इज गुड दो तीन बार मारना पड़ रहा है ये ले ओह गॉड गाइज मुझे एक वीडियो बनानी है तो मैं ना सारे पुराने सामान में गो थ्रू कर रही थी लुक व्हाट आई फाउंड ये स्लैम बुक है ये जानवी की स्लैम बुक है क्योंकि मेरे टाइम में स्लैम बुक चलती थी पर हम थोड़े ऐसे लाइक गांव वाले स्कूल में जाया करते थे लाइक थोड़े ऐसे स्कूल में जाते थे ना स्लैम बुक का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक दो अमीर बच्चों में होता था समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ मुझे नहीं बट ये जानवी के क्लास वालों की स्लैम बुक है यस आई डोंट थिंक सो मेरे को से कुछ खोल के दिखाना चाहिए क्योंकि कितना एम्बैरसिंग हो जाए यार इसका जो वीडियो है ना जो भी हम फिल्म करने वाले हैं वो गोपाली ट्यूब पे आएगा तो प्लीज देख लेना मेरा आजकल यही काम है गोपाली ट्यूब पे बोलना गोपाली वाले चैनल पे आके फुल वीडियो देख लो इस वाले चैनल पे बोलना ये वाला वीडियो गोपाली ट्यूब पे देख लो और इन सब के बिहाइंड द सीन्स इंस्टाग्राम पे आके देख लो तीन चीजें गोपाली गोपाली ट्यूब एंड इंस्टाग्राम है यार तुम्हारे लिए भी है तो बहुत मेहनत यार कितने क्रिएटर्स का क्या क्या फॉलो करे भी है ना यार एक तो इतने क्रिएटर्स भी बढ़ गए बट बाकियों का तो ठीक है अपने हिसाब से समझ लेना मेरा फॉलो कर लेना थैंक यू यार आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लेना थैंक यू गुड येस दैट सब्सक्राइब वेरी नाइस थैंक यू ऑल्सो वाइज मैंने ही थोड़ी सी स्कूल नॉस्टैल्जिया टाइप वीडियो बना रही थी भाई मेरे को मेरे हाथी इंसाइक्लोपीडिया लगी है मेरे घर वालों ने मुझे दिला दी थी और उसके बाद इतना बोला था इसको पढ़ने के लिए इतना बोला था और मैं हर बार इसको ऐसे लेके बैठ जाती थी एक्टिंग करने के लिए पढ़ने की फिर ये डिक्शनरी पता है मेरे घर वालों ने ना मुझे डिक्शनरी का तीन सेट मतलब मैंने ही जिद की थी मुझे चाहिए पढ़ना है और मैंने वो डिक्शनरी के तीन सेट ले लिए थे और फिर मैं वो डिक्शनरी लेके ऐसे बैठती थी एक्टिंग करने की कि मैं डिक्शनरी पढ़ रही हूँ बेचारे मेरे भोले माँ बाप को नहीं पता कि डिक्शनरी पढ़ी छुड़ी जाती है उसमें तो वर्ड्स ढूंढे जाते हैं पर मैं ऐसी एक्टिंग कर रही हूँ डिक्शनरी पढ़ रही हूँ क्या फुद्दू और बेकार बच्ची थी मैं ऑल्सो मुझे ना ये मेरे स्पार्कल पेन मिल गए हैं जो ये अभी तक चल रहे कैन इवन इमेजिन इट इतने पुराने पेन्स हैं बट ये अभी तक चल रहे हैं और ये वाला थोड़ा शॉर्पनर वॉपनर मिला है थोड़ी क्यूट सी मेरी बचपन की चीज़ है एक्चुअली मेरी नहीं ये सब जानवी की है मेरी वाली तो मुझे लगता है सड़ गई होंगी जितनी पुरानी मैं हो चुकी हूँ कोई और बहुत ही थोड़ा सा लाइक क्रिंज टाइप की चीज़ दिखाती हूँ सो दिस इज अ बुक जिसमें आप रुको मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ हाँ ये देखो बारबी लगी हुई है यहाँ पे फिर ये सारी हीरोइन जो उस टाइम पे चलती थी उनकी वो है फोटोज लगी हुई हैं एंड देन वी हैव दिस ज्वेलरी ये देखो आई लव टू पुट स्टैंडर्ड रोल नंबर और सब्जेक्ट पिक्चर्स मैक्स कट करके पिक्चर्स आया है ओके और साथ में ये मेहंदी की डिजाइन सो क्रिंज ये इतना ये लड़कियां हुई फिर आधे पे ये खत्म की गई और अरे और फोटोज भी रखी है इसके बीच में और ये बाकी आधे पे हिमेश रेशमिया इसकी स्टाइल तो कभी अच्छी नहीं आई डोंट हैव पोस्टर्स और ये देखो मेरी मम्मी हर किसी के पीछे बुरा 1 kg ये 1 kg
ओके जी, हियर वी कम टू एन एंड टू दिस व्लॉग, बट रुको, सितंबर में बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं और गिव अवेज भी आ रहे हैं, सो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड फॉर दैट। आप ना मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ को कौन से चैलेंज वीडियोस देखने, नॉट ओनली फूड, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में हो ना, इस लाइक अलबलता सा चलबलता था, सब मुझे बता दो। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके ही चैलेंजेस वाले वीडियो बनाऊं। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब कर देना। आई एम गोना सी इन माय नेक्स्ट वन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज and always grateful to you guys. Ta-ta!